हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका आरके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास और मास नंबर। देखिए, अभी तक जो भी थॉमसन एक्सपेरिमेंट रहा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट रहा, अभी हम बोर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़े हैं, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों लोगों के एक्सपेरिमेंट से या रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल आया, उन सबसे जो कंक्लूजन निकला कि एटम है क्या, समझिए। पहला पॉइंट है, ये जो एटम होता है ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, ठीक। साथ ही साथ एटम की खासियत और क्या है, एटम की खासियत ये है कि ये थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रहे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पर ये न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है। एक ऐसा एटम है हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल द एटम्स हैव दीज थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट इन द हाइड्रोजन ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड, बट न्यूट्रॉन आर एब्सेंट। ओके, ऑल द एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और क्या कंक्लूजन निकला जो भी कॉन्सेप्ट आया थॉमसन मॉडल से, रदरफोर्ड मॉडल से, कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम में इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इट मींस क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इस कॉन्सेप्ट से यह समझ के बाद समझ में आई कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, और इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही एक नया नाम दिया गया, एटॉमिक नंबर। क्या नाम दिया गया, एटॉमिक नंबर, जिसे जेड से लिखा जाएगा, जिसे लिखा जाएगा जेड से। अब याद रहे, एटॉमिक नंबर क्या हुआ, तो किसी भी एटम में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सेम होते हैं, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। दूसरे व्यू में इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, पीरियोडिक टेबल जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स रखेंगे सीरियल वाइज, तो जो उनका सीरियल नंबर है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, पीरियोडिक टेबल में सीरियल नंबर कितना है, 1। हीलियम का सीरियल नंबर क्या है, 2। लिथियम का सीरियल नंबर क्या है, 3। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इसी आधार पर आप कह सकते हैं 118 एलिमेंट्स है, सबका सीरियल नंबर क्लियर होता है। तो आई थिंक एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखें और क्या क्या बातें निकल के आ सकती हैं। देखिए, जो भी एटम होता है उसमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल है एटम में, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है, न्यूक्लियस से बाहर पाया था, ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो चुका है, ठीक। अब किसी भी एटम में याद रहे, हम प्रोटॉन न्यूक्लियस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गलती से भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर फाउंड इन द सेंटर एंड ऑल द एनर्जी आर सेंट्राइज्ड इन द न्यूक्लियस, ओके, ठीक। अब जरा देखिए, बट इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर सकता हूँ स्पेशल टेक्निक के द्वारा, और इस एटम में मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी डाल सकता हूं, ओके? तो मैं ये कह सकता हूं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डालना या निकालना आसान है, उस टेक्निक के माध्यम से जरा आप समझिए। यदि मैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता, तो एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज एटम इज द न्यूट्रल। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दो पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कह रहे यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे अगर किसी एटम में मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो एटम पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब याद रहे, अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया दैट विल बी एन आयन, किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कैट आयन। कलेक्टिवली कैट आयन और एन आयन को आयन कहा जाता है। अब जरा इसमें समझ लीजिएगा, किसी भी कैट आयन में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव किया है, तो इसमें याद रखिएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो लेस देन होगा प्रोटॉन। और अगर मैं किसी एनायन की बात करता हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें प्रोटॉन से ज्यादा हो। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख ले हम लोग इसके बाद मास नंबर या एटॉमिक मास क्या है। वैसे चैप्टर फर्स्ट में एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहां थोड़ा सा समझ लीजिए उसको कैसे देखते हैं, समझते हैं उसको देखते हैं। अब याद रहे कि जैसे मैं बात करूं, जो भी एटम है इसमें तीन चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से इज वेरी लेस, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन प्रोटॉन। यू कैन से दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल 1/1837 ऑफ प्रोटॉन। मतलब आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के 1/1837 पार्ट के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं ये भी कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अपेक्षा बहुत कम है। तो किसी भी एटम का जो भी मास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एटम का जो मास होगा वो डिपेंड करेगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं मास नंबर बोल सकते हैं, या इसी को आप एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी जरा समझ लें। वास्तव में एटॉमिक वेट देखिएगा, जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक वेट है और मास नंबर, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस क्या है। जो एटॉमिक वेट है पहली बात है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाएगा। कार्बन 12 आइसोटोप लेके प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं। जबकि मास नंबर क्या होता है, ये सब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन का वेट आपको पता चल जाए, मास पता चल जाए, न्यूट्रॉन का तो आप निकाल सकते हैं। जो एटॉमिक वेट है मोस्टली क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। जबकि मास नंबर ये होल नंबर होता है। ठीक, दूसरी बात जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट मतलब क्या हुआ, जनरली वेट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, भाई टोटल वेट एटम का तौला गया है कार्बन C12 के रिलेशन में, तो ओवरऑल इसका जो मास आएगा अगर देखा जाए एटॉमिक वेट का, इसमें क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक वेट मास नंबर से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि मास नंबर में हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो नियरली इक्वल किसके होगा, मास नंबर के। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रख लीजिए। अब जरा देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबलाइज कैसे करते हैं, जो मास नंबर या जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक नंबर, ये किसी भी एलिमेंट या एटम की प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, तो याद रखिएगा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो लेफ्ट साइड में नीचे लिखा जाएगा जेड से, और एटॉमिक वेट या मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा ए से। ये किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 carbon 12, तो ये आपका एटॉमिक वेट या मास नंबर है 12, और जो 6 है ये आपका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, व्हाइल द मास नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आइसोटोप्स क्या, इसी लेक्चर में आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स।
इसको भी समझ ले। देखिए हम लोग कहीं कहीं एटॉमिक वेट या मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में जान गए तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आइसोटोप्स क्या होता आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बर्तन में हाइड्रोजन गैस रख दिया, H2 गैस। H2 गैस मींस दे आर कंपोज्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ए लॉट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस। ओके, मान लेते हैं अब ये H2 गैस H2 मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, N H2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और यह H2 मॉलिक्यूल क्या है, 2H एटम से मिलकर बना है, 2H एटम से मिलकर बना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ए लॉट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस। और हम जानते भी हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइदर एटम आर मॉलिक्यूल्स आर आयंस। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है, कह सकते हैं उसमें भाई एलिमेंट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। अब जरा देखिए ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन कॉन्सेप्ट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ द एटम्स। इसका मतलब डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसमें सब हाइड्रोजन ही होने चाहिए, हाइड्रोजन एटम ही होने चाहिए। और हाइड्रोजन एटम मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1H1 बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक वेट इज आल्सो 1। तो डाल्टन के अनुसार इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं वो सब 1H1 ही होने चाहिए थे, ठीक है। बट देखा क्या गया कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट, एक साइंटिस्ट थे सोडी, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, समझा और बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये हाइड्रोजन गैस है इसमें एक एटम के अलावा दूसरे प्रकार के भी एटम है। अरे ये क्या तो कंफ्यूजन जान लीजिए एक प्रकार से हुआ कि डाल्टन कह रहे थे सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, बट सोडी ने कहा नहीं, कोई एक एलिमेंट एक से अधिक प्रकार के एटम से भी मिलकर बना हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सोडी यू कैन से दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द एटम्स लाइक हाइड्रोजन, दीज आर मेड फ्रॉम द थ्री टाइप्स ऑफ द एटम्स। देखा गया इसमें तीन प्रकार के, एक छोटुआ मझिलका और बड़का, तीन प्रकार के एटम इसमें थे। भैया देखिएगा तीन प्रकार के एटम थे। सबसे छोटे वाले एटम का नाम रखा गया H, उससे जो मझिल से बड़ा था या मझिला उसका नाम D रखा गया, जो सबसे बड़ा था उसका नाम T रखा गया। इसे बोला गया प्रोटियम, इसे बोला गया ड्यूटीरियम, इसे बोला गया ट्राइटियम। और देखा गया इसका वेट भी मेजर किया गया, तो ट्राइटियम इन दोनों से भारी था, हैवी था। ओके, अब इनका एटॉमिक वेट भी मेजर किया गया, एटॉमिक नंबर भी पता किया गया, तो पता लगा कि इसका एटॉमिक नंबर 1 था, एटॉमिक वेट भी 1 था, लेकिन जो मझला था उसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 2। जो ये सबसे बड़ा था उसका एटॉमिक नंबर तो 1 था बट एटॉमिक वेट 3 था। अब लोग कंफ्यूज हो गए। देखा जा रहा कि इसको ड्यूटेरियम को डी से लिखा जा सकता है, या आप इसको 1H2 भी लिख सकते हैं, प्रोटियम को 1H1 भी लिख सकते हैं, इसको 1H3 भी लिख सकते हैं। अब देखा गया कि किसी भी एक एलिमेंट में एक से अधिक प्रकार के एटम हो सकते हैं। डाल्टन का कॉन्सेप्ट यहां गलत हो गया, और जो एटम पाए गए उनका जो एटॉमिक नंबर था वो सेम था, एटॉमिक वेट था वो डिफरेंट था। क्या था? डिफरेंट था। इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया आइसोटोप्स। इट मींस सम ऑफ द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ द एटम्स, सच एटम आर डिफरेंट इन वेट एंड देयर एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक वेट आर डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स या अकॉर्डिंग टू सोडी। अब और भी एग्जांपल्स कोई दिखे, 118 एलिमेंट्स नोन है बट जरूरी नहीं है कि सबके आइसोटोप पाए जाए। ये देखा गया उसमें से कुछ ही एलिमेंट्स के आइसोटोप पाए गए। जैसे दूसरा एलिमेंट में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दूसरा एलिमेंट्स में लेता हूं कार्बन। देखा गया कार्बन एलिमेंट तीन प्रकार के एटम से मिलकर बना होता, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। अब इसमें जो 6 कार्बन 14 है वो सबसे भारी होता है। ओके, इसे बल्कि रेडियो एक्टिव भी बोला जाता है, रेडियो एक्टिव भी होता है। ये आगे आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव क्या है, ठीक है। और देखा जाता है इसमें जो लाइटर आइसोटोप्स होता है, लाइटर
ये है, क्लियर। अब जरा देखिए इनके भी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक वेट क्या डिफरेंट है, ये भी तो आइसोटोप का एग्जांपल ही हुआ। अब आइसोटोप में अगर मैं देखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 कार्बन 12 6 कार्बन 13 6 कार्बन 14। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ओके, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो 6 होंगे। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम पे उतने प्रोटॉन होते हैं, तो 6 6 6। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो 12 - 6, भाई न्यूट्रॉन का जो फार्मूला है ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि जो एटॉमिक वेट है वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, भाई मास, अभी मैंने इसके बताया था इसके पहले कि एटॉमिक वेट निकालना है या मास नंबर आप इसे कह सकते हैं, इसे मास नंबर भी कह सकते हैं। तो आप क्या करिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए, मास नंबर मिल जाएगा उसके वेट को। तो इससे आप न्यूट्रॉन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन, ये फार्मूला अगर लगाए तो 12 - 6 कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 6, 13 - 6 7, 14 - 6 कितना आ जाएगा, 8। अब आप जरा देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है बट न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट। खैर न्यूट्रॉन से कुछ होना जाना नहीं है, जो कुछ भी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती है वो सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करती है, ओके। अब देखा जाए तो कहीं कहीं के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। अब जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे वो एलिमेंट ज्यादा हैवी होगा। साथ ही साथ आप समझिए, बिकॉज ऑल द एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉन, इट मींस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, याद रहे। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे भाई देखिए हैवी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले। अब जरा देखें इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं जरा समझ ले, आइसोबार तो बहुत इजी है अभी तक, चलिए। अब डॉल्टन ने क्या बताया था, डॉल्टन ने ये बताया था कि किसी भी एक एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ द एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट टाइप के होते हैं, यही सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट होगा तो डिफरेंट एटम होगा, हम भी पढ़ते हैं देखते हैं। वैसे मैं मान लेता हूं, लिखता हूं आपके सामने 20 कैल्शियम 40, ओके, 20 कैल्शियम 40, 19 पोटेशियम 40, ओके। अगर मैं अभी तक एटॉमिक वेट ना लिखूं तो भाई ये कैल्शियम एलिमेंट, अगर मैं इसको ना लिखूं तो जाहिर बात है कैल्शियम है ये पोटेशियम है, अलग अलग एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है इसके एटम अलग अलग होने चाहिए, प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होनी चाहिए। पर देखिए क्या देखने को मिला, देखा क्या गया कि जो इसका एटॉमिक वेट है 40 है इसका भी है, और 21 स्कैंडियम 40 इसका भी एटॉमिक वेट है। अब देखिए तीन अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखा क्या गया कि ऐसे टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स, ओके। अगर मैं इसमें निकालना चाहूं EPN इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, भाई इसके इलेक्ट्रॉन 20, इसमें 19, इसमें 21, इसका जो प्रोटॉन आएगा 20 19 21, अब इसका न्यूट्रॉन आएगा अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा 40 - 20 20, 40 - 19 21 40 - 21 19। अब आप जरा देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, देखा जाए इसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, भाई इसमें 20 है 19 है 21 है, इसमें प्रोटॉन डिफरेंट है न्यूट्रॉन डिफरेंट है, सब मामला डिफरेंट ही है। तो जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, इट मींस आइसोबार्स हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अब अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो देखा जाए न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी तो अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी होती है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन इनका एटॉमिक वेट सेम है, इसीलिए इनको आइसोबार कहा गया। ओके, अगर मैं इसे एलिमेंट और ले लू 1s3 ट्राइटियम और देखा गया 2he3, ये दोनों भी क्या है, इनका एटॉमिक वेट सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये भी तो आइसोबार्स कहलाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रहे आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, थैंक यू सो मच।